बैटरी का ऑटोमेटिक चार्जर बना के दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें इन कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये रिले है 7 एम्पियर। फ्रेंड्स आप देख सकती है 7 एम्पियर 250 वोल्ट का है। फ्रेंड्स आपको एक पीस ये चाहिए और फ्रेंड्स ये 5408 डायोड है, 5408 डायोड है, ये आपको चाहिए 5 पीस। फ्रेंड्स ये 10K पोटेंशियोमीटर है, आप यहाँ पर 15K या 20K भी ले सकते हैं। ये पोटेंशियोमीटर है, आप यहाँ पर लेबर चेक कर लीजिएगा कि सही है कि ख़राब। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर 3 चैनल का लगा रहा हूँ। और फ्रेंड्स उसके बाद इसका एक ढक्कन चाहिए होगा आपको। उसके बाद फ्रेंड्स आपको चाहिए BC547 ट्रांजिस्टर, देख सकते हैं कि BC547 ट्रांजिस्टर है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको चाहिए 1 किलो ओम की रजिस्टर और 10 किलो ओम के रजिस्टर, सब आपको एक एक पीस चाहिए। और ये हमारा 4007 डायोड है, तो फ्रेंड्स आपको ये एक पीस चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर 12012 का ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं, नहीं फ्रेंड्स तो आप 012 ट्रांसफार्मर का यूज़ भी कर सकते हैं जो सिर्फ 012 में आता है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप 12012 ट्रांसफार्मर भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए सर्किट को बनाते हैं। फ्रेंड्स तो आपको एक कैपेसिटर भी चाहिए होगा जो 25 वोल्ट 6800 माइक्रोफैरेड का है। आप इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी ले सकते हो, पर फ्रेंड्स कम मत लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए सर्किट को बनाना शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस है।
ये 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। सिस्टम है वो बन के तैयार हो गया। हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। इसका मतलब हमारी सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। फ्रेंड्स, आप इसमें 6 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों बैटरी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि 6 वोल्ट की बैटरी चार्ज करने के आसपास पावर आ रही है। तो फ्रेंड्स, अभी हम इससे 6 वोल्ट की बैटरी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सिस्टम को जैसे ही हम इसकी कंट्रोलर को पूरा ऑफ कर देंगे तो ये देखिए ये लाइट बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपके पास जो वोल्टेज है वो वोल्टेज बढ़ के आने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको वोल्टेज दिखा दूँ, ये देख सकते हैं 16 वोल्ट आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इससे अब हमारा 12 वोल्ट की बैटरी भी हम चार्ज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सिस्टम भी आपका ऑटोमेटिक ही रहेगा, पर यहाँ की लाइट जो है वो बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप जैसे आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, फुल चार्ज हो जाएगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये लाल लाइट जलने लग जाएगी और फ्रेंड्स ये सिस्टम अपने आप बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये सिस्टम अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगी, तो फ्रेंड्स प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।